एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल मम्मी की टेस्टी रेसिपीज में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। न्यू रेसिपी बताने से पहले आप लोग जो भी न्यू आए हैं चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर ऑन कर लीजिएगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप लोग देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और लोबिया की सब्जी, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊँगी और जैसे मैं बनाती हूँ मैं वैसे ही बनाऊँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इसके लिए यहाँ पे लिया आधा किलो लोबिया, जिसको अच्छे से धो के मैंने यहाँ पर रख लिया, काट के रख लिया है। और मैंने यहाँ दो आलू लिया है, दो आलू को भी मैंने अच्छे से धो के काट के रख लिया। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए, हम गैस की तरफ आ गए, गैस ऑन कर दिया, कढ़ाई मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक रख दिया। कढ़ाई हमारी देखिए 2 मिनट रखा था, हमें गर्म हो चुका है। तो चलिए, मैं सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ। आप अगर रिफाइंड ऑयल में बनाना चाहते हैं तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सरसों अगर पसंद है तो सरसों भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सरसों तेल यहाँ पर मैंने डाल दिया, तो मैं 1 मिनट गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ तेल को। तो देखिए, तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे पंचफोड़ना जो यहाँ पे है, मैं पंचफोड़ना इसमें मैं तड़के में डाल रही हूँ। थोड़ा सा हींग डाल देंगे, चलिए इनको थोड़ा सा भून लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, जिसको धो के मैंने यहाँ कद्दूकस करके रख लिया। यहाँ थोड़ा सा लहसुन लिया, छिल के रख लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने देखिए 2 मिर्ची हरी ली है, जिसको मैंने धो के काट के रख लिया। तो चलिए, इनको भी हम तड़के में डाल देते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा तड़का जो है थोड़ा भून चुका है। तो चलिए, अब हमने यहाँ जो प्याज काट के रखा था, मैंने एक प्याज लिया था बड़ा वाला, जिसको धो के लंबे लंबे शेप में कट कर लिया था। तो चलिए, इनको भी हम तड़के में डाल देते हैं। तो देखिए, प्याज जब तक भून रहे हैं यहाँ पे, हम आलू को भी भून लेते हैं। भूनने से क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट आता है उसको। देखिए, आलू हमारे यहाँ जब तक भून रहे हैं, तब तक ये जो हमने लोबिया काट के रखा, हम लोबिया भी यहाँ पे कढ़ाई में डाल देते हैं। इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं कि जिससे कच्चापन खत्म हो जाए लोबिया का और आलू का। चलिए, कवर कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है सब्जी को, जिससे आलू और जो हमारा लोबिया है उसका कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए, यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए, मैं कवर हटा लेती हूँ। देखिए, हमारा जो आलू है और जो लोबिया है, कच्चापन खत्म हो गया। चलिए, यहाँ देखिए, हमने जो टमाटर काट के रखा था, मैंने एक टमाटर लिया था, तो हम यहाँ पे टमाटर डाल रहे थे। और अब जो हम डेली रूटीन मसाला यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, मैं वही यूज़ कर रही हूँ, कोई अलग से मसाला नहीं डाल रही हूँ। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच के आसपास नॉर्मल नमक, स्वाद अनुसार लीजिएगा। और अब हम ले रहे हैं यहाँ पे 1/2 चम्मच के आसपास हल्दी पाउडर, 1/4 में यहाँ थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही काली मिर्च पाउडर ले रही हूँ, 1/2 चम्मच में यहाँ पे ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हम ले लेंगे यहाँ पे धनिया। यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं सब्जी को, सारे मसाले अच्छे से हमारे मिक्स हो गए सब्जी में और भून जाए। नॉर्मल मसाले यूज़ करने, क्योंकि फ्रेंड्स में ज़्यादा मसाले वाले यहाँ सब्जी नहीं बना रही। जैसे हम नॉर्मल रूटीन सब्जी खाते हैं वैसे ही हम सब्जी बना रहे हैं यहाँ पे। मैं कम मसाला पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने कम डाला है। अगर आप मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप क्वान्टिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं मसाला को। तो चलिए, मैं कवर कर लेती हूँ कढ़ाई को और हम यहाँ पर 10 से 15 मिनट हम पकने देते हैं। देखिए, यहाँ पे अभी हमारी जो सब्ज़ी पक रही है फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेती हूँ कि हमारी सब्ज़ी कितनी यहाँ पे पकी है। तो देखिए, अभी हमारी यहाँ पे थोड़ा सा अभी है कच्चापन, अभी पक रहा है हमारा सब्ज़ी। पानी मैंने बिल्कुल यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो चलो, हम यहाँ पर मसाला एक और ऐड कर लेते हैं, वो है गर्म मसाला।
मैं एक चम्मच यहाँ पे गरम मसाला, देखिए कैच का जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चले हमने गरम मसाला भी ऐड कर लिया पूरी खुशबू के लिए। फटाफट इसको मिक्स कर लेते हैं। जो गरम मसाला पसंद नहीं करते वो स्किप कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐड ज़रूर करें। इनको अच्छे से हमने मिला लिया। तो चलो मैं इसको फिर से कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फाइनली चेक कर लेते हैं हमारी सब्जी कैसी बनी है। तो देखिए फाइनली सब्जी हमारी यहाँ पे बन चुकी है। तो एक बार हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि आलू देखिए हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही पक चुके हैं। थोड़ा सा भी हमारा कच्चापन नहीं है। तो फाइनली हमारी आलू लोबिया की सब्जी जो है यहाँ पे पक चुकी है, बन चुकी है। और पानी देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं, बिल्कुल सूखी सब्जी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। मैंने पानी बिल्कुल ना डाला था और ना यहाँ पानी है। अब आप देखिए फाइनली तैयार है। तो चलिए गैस ऑफ करते हैं, फटाफट मैं प्लेट में सर्व करके आपको अपनी फाइनल सब्जी का लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल प्लेट लिया है। और चलिए फाइनली मैं यहाँ पे आपको आलू लोबिया की सब्जी सर्व करके दिखा रही हूँ प्लेट में। तो देखिए गर्मा गर्म भाप निकलते हुए सब्जी हमारी कितनी अच्छी लग रही है। फाइनली देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सब्जी आलू लोबिया की मैंने प्लेट में सर्व कर लिया। भाप निकलते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छी लग रही है और बहुत ही टेस्टी नज़र आ रही है। फ्रेंड्स आप भी जब बनाएं इसको घर पे तो आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। सूखी हुई हमारी आलू लोबिया की सब्जी और मुश्किल से 5-10 मिनट लगता है और सब्जी हमारी तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान, आपने देखा कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। कोई भी ज़्यादा झंझट हमने इसमें लंबा तरीका नहीं किया है। तो डेली रूटीन बनने वाली सब्जी है आलू लोबिया की। आप इसको रोटी के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, किसी के भी साथ खाएंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए। फ्रेंड्स कैसी बनी है आपकी ये आलू लोबिया की सब्जी, ज़रूर आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से नए नए टेस्टी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी आप लोगों के पास। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड। वीडियो भी अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर ऑन कर लीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ जो आप लोगों के पास फटाफट पहुँच सके और आप लोग देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।